हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते घर में नाचा की रहती है अपनी बात हर औरत का ख्वाब होता है कि हमारा शोर हमारी हर बात माने हमारा ख्याल रखे और हमारे साथ अच्छे सलूक से पेश आए तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने भी आजमाया और आप भी आजमाएंगे तो आप लोगों के भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है साथ ही लाहौरी फिश फ्राई की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी असलमकूम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लाग आज का व्लाग जी है एज़ यूजल मैं स्किन केयर से स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी नाश्ता से फ्री होने के बाद जो है वो मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर रही थी ताकि जो है वो मैं मेरी स्किन जो है थोड़ी सी फ्रेश रह सके तो इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इन चीज़ों का तो ये चीज़ें मैंने सारी दराज से ही ऑर्डर की थी बायोक्वा की हैं और ये वेला का सीरम है आई सीरम जो कि मैं वन वीक से यूज़ कर रही हूँ और मेरी आईज़ के नीचे जो बहुत ज़्यादा गहरे हल्के थे मैं बहुत ज्यादा मोबाइल भी यूज़ करती हूँ और मेरा जितना भी काम है वो बहुत ज्यादा नजर वाला काम है तो उसकी वजह से ये सीरम जो है वो मैंने लगाना स्टार्ट किया मेरी आइस के नीचे बहुत ज्यादा हल्के थे लेकिन जब से मैंने इसको लगाना शुरू किया ये पंद्रह दिन हो गया मुझे इसको लगाते हुए तो ये बहुत अच्छा सीरम है आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को दराज का इसका लिंक दे दूँगी स्टोर का अब आते हैं जी किचन में और किचन में यहाँ पर जी मैं फिश फ्राई करने के लिए मसाला लगा के रख रही हूँ फ्रिश फिश जब भी आती है ना मैं मसाला लगा के जो है ना रख देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना वो बहुत ज़्यादा जो है है ना ना वो फिश पसंद अच्छा पे ना एक बाउल के अंदर मैंने हरी डाली हैं और लहसन को डाल के ना मैंने अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया उसके बाद तीन टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन के ऐड कर दिए ये फिश जो है ना अगर आप एक दफ़ा मसाला ट्राई कर लेंगे ना तो लिटरली आप लोग बाजार का की जो मछली है ना वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जैसे कि मुझे यहाँ पे जी मैंने तीन टेबल स्पून चाट मसाला डाला है मछली जो है वो मेरी तीन के जी है और तीन से चार टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है हल्दी डाली है एक चम्मच जीरा डाला है मैंने दो चम्मच और इसके अलावा तो मैंने सूखा धनिया डाला है मैंने एक चम्मच चमस। कसूरी मेथी डाली है मैंने एक चम्मच अजवाइन डालेंगे हम इसके अंदर एक चम्मच उसके बाद हम लोगों ने पाँच से छः लेमन जो है वो मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर देने हैं आप लोग चख लीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि जी ये कम है तो आप लोग मजीद डाल दें मैंने चार लेमन निचोड़े थे क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना थोड़ी सी स्पाइसी सी फिश जो है वो पसंद की जाती है अच्छा यहाँ पे ना मैंने कुटी हुई मिर्च भी इसके अंदर ऐड की है कुटी हुई मिर्च इसे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रीन चिल्ली तकरीबन मैंने ली है आधा पाव के करीब और यहाँ पर जी मैंने नमक जो है वो एक चम्मच ही डाला है क्योंकि मछली जब हम लोग लेकर आते हैं लाहौर में तो ऐसा हिसाब होता है कि जब आप मछली लेकर आते हैं ना तो आप लोगों के साथ ही ना वो मसाला मछली देते वक्त ही मसाला जो है वो नमक और अजवाइन लगा कर जो है ना वो आपको दे देते हैं आपने घर आना है घर आने के बाद उसको जो है वो अच्छे तरीके से पहले वॉश करना है उसके बाद मैं जो हूँ आटा और हल्दी लगा के फ़िश को रख देती हूँ थोड़ी देर उसके बाद अच्छे से धो लेती हूँ और जब मसाला बनाना है ना तो तो नमक मैंने जो है ना वो एक ही चम्मच इसमें सारी मछली में ऐड की एक चम्मच भी नहीं बल्कि एक चम्मच से भी कम एक चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो ऐड कर लें नहीं तो ना से ही मेरे हस्बैंड को ना वो चाह रहे थे कि जी इस तरह से जिस तरह से बाजारी फ़िश मिलती है न इस तरह से बड़े पीस के ऊपर मसाला लगा के रखो तो मैंने कहा चलें ठीक है उनकी पसंद है तो डेफिनेट बात है तो मैं लगा लेती हूँ अच्छा ये वाला मसाले में ना मैंने कोई दही वगैरह कुछ नहीं डाला जो मसाले मैंने आपको बताए हैं सेम मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं मसालों की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपनी फिश के हिसाब से जो है वो कर लीजिएगा यहाँ पे मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप लोगों का बहुत, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही पिछली वीडियो के बताया था कि भाई आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगी और समझ भी आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेसिकली जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने अपनी कस्टमर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें बहुत सारे लोग जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरे कॉन्टेंट को पसंद कर रहे हैं मैंने जो व्लाग बनाया इस पर आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी हैं तो बस ये आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये कहना था कि वो स्टोरी मैंने अपनी एक कस्टमर के कहने पर शेयर की थी और वीडियो के लास्ट में मैंने बिल्कुल बताया भी था कि ये मेरी कस्टमर की स्टोरी है और उन्हीं की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी मैंने ईमानदारी के साथ बता दी लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं देखा तो जब मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि वीडियो का स्किप ना कीजिएगा तो आप लोग स्किप ना किया करें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरा वॉइस टाइम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ अगर आप सब लोग थोड़े दिन जो है वो पूरी पूरी वीडियोस देखते रहेंगे वैसे तो खैर पूरी ज़िंदगी ही आप लोगों का साथ चाहिए लेकिन मेरा वर्स्ट टाइम जो है अगर आप लोग सारे मिलकर जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अगर चाहें तो वन वीक की भी मेरा वर्स्ट टाइम पूरा हो सकता है तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा कुछ जो है ना एक पीस जो था वो फिश का मैंने इस तरह से करवा लिया था लंबे साइड में बाकी मैंने पीसीस करवा लिए थे क्योंकि सम टाइम बड़ा पीस तो एक दफ़ा ही फ्राई हो जाएगा छोटे पीस जो है वो बार बार फ्राई होते रहते हैं अच्छा इसको मैंने ना कम से कम दो दिन है ना मसाले को लगा के ना आपने रखना है अच्छा अब यहाँ पे ना एक और स्पेशल चीज़ ये है कि लाहौरी फ़िश जो होती है ना वो होती है सरसों के तेल में फ़्राई अच्छा अब मैंने क्या किया मैंने किया ये पैन में ना जब मैंने सरसों का तेल लिया एक पाव इसको डाला और अच्छे तरीके से इसको गरम कर लिया इतना गरम करना है कि वो उसके अंदर से धुआं निकल के ना उसके अंदर की जितनी भी स्मेल है ना सरसों के तेल की वो निकल जाए क्योंकि अब हम लोगों को प्योर सरसों का तेल खाने की आदत तो है नहीं तो मैंने इसके अंदर आप ऑयल या घी भी डाल सकते हैं मेरे पास घी था तो मैंने घी ही इसके अंदर एड ऑन कर दिया था एक पाव ही घी डाल के ना तो घी के अंदर मिक्स कर दिया ऑयल के अंदर सरसों के इससे ये हुआ कि इसका टेस्ट जो था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत मज़े का आया थोड़ी सी गार्निश मैंने कर दी थी क्योंकि सैलड जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो थोड़ी सी गार्निश मैंने कर दी थी आप लोग भी थोड़ी कानिश जो है वो कर दिया करें क्योंकि खाने के टेस्ट से ज़्यादा जो है ना वो पहले कहते हैं ना मन राजी तो वो देखने में जो है ना वो मन राज़ी पहले से हो जाता है तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली जो रेसिपी है वो कैसी लगी है चलिए जी आज मैं आप लोगों के साथ एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करती हूँ अच्छा फ़िश को ना आप लोगों ने मसाला लगा के ना दो से तीन दिन रख देना है यहाँ पर मैंने बनाई थी वेज वेजिटेबल्स थाई वेजिटेबल्स बनाई थी तो ये थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी तो मैंने इसके अंदर क्या किया पास्ता जो है वो बॉयल करके डाला और थोड़े से स्पाइसिस ऐड कर दिए थे ऐड करने के बाद ना इसको मैंने फिर चीज़ वगैरह डाल के तो बहुत मजे का पास्ता जो है वो रेडी कर लिया था अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देखते जाएं और मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ मेरी ना क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो है सोशल सर्कल ज़्यादा है जिनको नहीं पता जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बताती हूँ क्योंकि माशाला से ब्रांड की वजह से पन दो से जो है वो मैं काम कर रही हूँ तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी बहनें जो हैं वो मेरी जानती हैं तो उसे जब वो वो मटीरियल के लिए या ऑर्डर्स के लिए जब मुझसे बात करती हैं मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स भी हैं तो बहुत सारी ऐसी हैं कि वो मशूर वगैरह लेती हैं बात करती हैं तो अपनी परेशानी भी बाजत वो शेयर कर रही होती हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ ये जो व्लॉग है इसमें शेयर कर रही हूँ अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँ मैं आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए शादी की शॉपिंग करनी थी तो मैं ये शर्ट लेकर आई थी मैं लेसिस देख रही थी तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ अच्छा अब आप लोगों के घर में कोई भी परेशानी है हस्बैंड से आप चाहती हैं कि आप हस्बैंड जो है वो आपकी हर बात माने आपको किसी भी चीज़ के लिए इनकार भी ना करें और आपका ताल्लुक अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रहे आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करें ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि आपके ससुराल वाले देखें हस्बैंड से ज़्यादा जो है ना इंसान का जो करते हैं ना वास्ता पड़ता है ना वो ससुराल वालों से पड़ता है सुरसास है नंदे हैं उनके साथ अच्छा आप लोगों को ना जो भी चीज़ मैं बताने लगी हूँ ना इसको ना आप लोगों ने चुप करके करना है लेकिन जो है ना करना दूर है और बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग इस वजीफ़े को बहुत पावरफुल है आप रेगुलर करेंगे ना तो आप खुद आसार देखिएगा कि हर शख्स जो है ना वो आपकी मोहब्बत में जो ना वो गिरफ्तार हो जाएगा अगर लड़ाई झगड़े आपके घर में हैं सास नंदों के साथ कोई मसले मसाइल हैं ये सारी चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जब खाना बनाना है ना और जहाँ पर पानी सब लोग पीते हैं ठीक है आप लोगों ने करना यह है कि पहले जो है वो द्रू शीफ पढ़ना है क्योंकि द्रू शीफ जो है आप सबको पता है कि बहुत अफजल है ठीक है दरुद इब्राहिमी पढ़ना है तीन दफ़ा पढ़ लें या एक दफ़ा पढ़ लें ठीक है अव्वल व आखिर आप लोगों ने तीन तीन मरतबा दरूशीफ पढ़ना है और इक्कीस मरतबा अल्लाह ताला का एक नाम है गौर से सुनिएगा या वूदो ठीक है इक्कीस मरतबा पढ़ना है और स्टार्ट में और आखिर में आप लोगों ने द्रूशीफ पढ़ना है और उसके बाद चुप कर आप लोगों ने जो खाना बनाया ना उसके ऊपर फूँक मार देनी है ठीक है और जो पानी जहाँ से आप लोग पीते हैं जग में रखते हैं या जिसमें भी रखते हैं या मोस्टली घरों में पानी जो है वो फ़िल्टर का आता है तो जो बड़ी कैंस आती हैं उसके ऊपर आप लोग पानी के ऊपर फूंक मार के उसको आप लोग रख दें जो जो वो पानी पिएगा उस पर अल्लाह ताला के नाम के असर की वजह से उस पर असर होगा और आइस्ता 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 करके जो है आप लोग जरूर आजमा कर देखें क्योंकि ये मेरा आजमूदा जो है वह नुस्खा है और माशाल्लाह से जब मेरी शादी हुई तब भी मैंने ये किया था और अल्लाह का शुक्र है मैंने इस चीज़ से जो है वो क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है इसमें कोई बुराई नहीं है और ना बताने का मैंने आपको इसलिए कहा कि अगर आप किसी को बता के करेंगी तो उन कहीं ये ना हो कि आपकी सास या आपकी नंदे कहेंगे जी जादू टोने कर रही है अल्लाह ताला का एक नाम है आप खाना बनाते बनाते पढ़ें और उसके ऊपर फूक मार दें किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो लाइफ है वो भी माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी अच्छा एक और चीज़ मैंने आप लोगों से ये कहनी थी कि कोई भी काम हो ना आप लोगों को रिज़ल्ट जो है ना वो करने से ही मिलते हैं ऐसा नहीं होता कि आपने आज पढ़ा और कल जो है वो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो गई नहीं आप लोगों को कार करना पड़ता है आप एक महीना करके देखें आप लोगों को आहिस्ता 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 फ़र्क आना शुरू हो जाएगा क्योंकि कोई भी चीज़ है कोई भी अमल आपको एक दिन में जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं देता उसके लिए आपको कॉन्टीन्यूसली करना पड़ता है आप करते रहेंगे आपकी ज़िंदगी आसान में आसानियाँ आती चली जाएंगी आती चली जाएंगी और आप लोग एक दिन मुझे खुद कहेंगे कि कमल आपने मुझे जो बताया वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ बगैर ख़ुद पर इस इम्प्लीमेंट किए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लिया करें पूरा कंप्लीट क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है यहाँ पर जी मैं ऑर्डर्स की पैकिंग करी थी ये ऑर्डर्स मुझे डिलीवर करने थे इनकी पैकिंग भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी उससे पहले जो हेयरबैंड थे उनका टिटोलियल अगर आप लोगों ने देखना है तो वो मैं कल अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा और किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी है रब्त करना है तो मैं दोनों चैनल अपने जो लिंक्स है जो मेरा ब्रांड का है उसका लिंक भी डाल दूँगी और जो मेरी प्रोफाइल है ब्लास वाई कमल तबों की वो भी डाल दूँगी मिलते हैं अगले व्लाग में अलाफ़